दुनिया के 10 सबसे खतरनाक मिलिट्री कुत्ते, टॉप 10 बेस्ट मिलिट्री डॉग्स। दोस्तों, इंसान और कुत्ते के बीच की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोस्ती प्यार की वजह से कम और जरूरत की वजह से ज्यादा है। प्राचीन समय में ही इंसान जरूरत के कामों में कुत्तों का उपयोग करते आ रहे हैं और ये स्थिति आज भी नहीं बदली। आज भी कई अलग अलग कामों में कुत्तों का उपयोग किया जाता है, जिनमें पुलिस और मिलिट्री भी शामिल है। इन दो फील्ड्स में काफी ज्यादा कुत्तों का उपयोग किया जाता है। पुलिस और मिलिट्री में शामिल कुत्ते काफी ज्यादा टैलेंटेड और खूंखार होते हैं। इन्हें जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वो उसी में ढल जाते हैं और फिर बड़े बड़े मिशंस में इनकी मदद ली जाती है। दुनिया में कई ऐसे मिलिट्री डॉग्स हैं जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दुनिया के टॉप 10 बेस्ट मिलिट्री डॉग्स के बारे में जानते हैं। इन डॉग्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है, लेकिन उसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। खतरनाक होने के साथ ही जर्मन शेफर्ड दुनिया का चौथा मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग भी है। एग्रेसिव नेचर और इंटेलिजेंस की वजह से ही पुलिस और मिलिट्री में इस कुत्ते की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस कुत्ते का संबंध जर्मनी से ही है, लेकिन आज के समय में इस कुत्ते की मौजूदगी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसकी वजह इस कुत्ते का टैलेंट और इंटेलिजेंस ही है। जर्मन शेफर्ड के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर और वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। एथलेटिक बॉडी वाला यह कुत्ता 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इसका जीवन काल 9 से 13 साल तक का होता है। जर्मन शेफर्ड का उपयोग गायब हुए लोगों को ढूंढने में, सर्च एंड रेस्क्यू में, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने में, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में और अपराधियों का पीछा करने में किया जाता है। इनका उपयोग जितने भी कामों में किया जाता है उन सभी में इन्हें महारत हासिल होती है और अपने कामों को काफी अच्छे से अंजाम देते हैं। यही वजह है कि जर्मन शेफर्ड की गिनती दुनिया के बेस्ट मिलिट्री डॉग्स में की जाती है। नंबर 9, बेल्जियन मेलिनॉय। बेल्जियन मेलिनॉय बेस्ट मिलिट्री डॉग की लिस्ट में क्यों शामिल है, ये समझने के लिए आपके लिए बस इतना ही जानना काफी होगा कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो मिशन भेजा गया था, उस मिशन में बेल्जियन मेलिनॉय नस्ल का कुत्ता भी मौजूद था। जब किसी कुत्ते को इतने बड़े मिशन में भेजा जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बेल्जियन मेलिनॉय निसंदेह दुनिया का बेस्ट मिलिट्री डॉग है। बेल्जियन मेलिनॉय कुछ हद तक जर्मन शेफर्ड की तरह ही है, लेकिन कई मामलों में यह जर्मन शेफर्ड से दो कदम आगे है। इस कुत्ते का संबंध बेल्जियम से है। इस कुत्ते के 4 वैरायटीज होते हैं जिनमें सिर्फ कोट टाइप एंड कलर का ही अंतर होता है, बाकी सभी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इस कुत्ते की लंबाई 61 से 66 सेंटीमीटर और वजन 25 से 30 किलोग्राम तक का होता है। इस कुत्ते के दौड़ने की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। बेल्जियन मेलिनॉय की खासियत की बात करें तो ये काफी वफादार होते हैं और हर आज्ञा का पालन करते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने के बाद ये हर काम में माहिर हो सकते हैं। मिलिट्री में कई तरह के काम के अलावा एज अ गार्ड भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी सारी खासियतों के साथ ही इसके बिहेवियर में अग्रेशन का तड़का भी मौजूद है, जो इसे परफेक्ट मिलिट्री डॉग बनाता है। नंबर 8, बॉक्सर। बॉक्सर डॉग का मिलिट्री में काफी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। इस कुत्ते का संबंध भी जर्मनी से है, जो कि अपनी ताकत और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। बॉक्सर डॉग की लंबाई 57 से 63 सेंटीमीटर और वजन 27 से 32 किलोग्राम तक होता है। इसका जीवन काल 10 से 12 साल तक का होता है। मिलिट्री और पुलिस डॉग के अलावा बॉक्सर फैमिली डॉग के रूप में भी जाना जाता है। इंसानों के प्रति इसका बिहेवियर काफी अच्छा है और साथ ही ये दूसरे जानवरों के सामने भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें बचपन से ही अग्रेसिव होने की ट्रेनिंग दी जाए तो फिर ये काफी खतरनाक बन जाते हैं। और आमतौर पर सभी मिलिट्री बॉक्सर डॉग्स को अग्रेसिव बनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस कुत्ते का उपयोग गार्ड और पेट्रोल डॉग के रूप में किया गया था। इसके साथ ही इसका उपयोग मैसेंजर डॉग के रूप में भी किया जाता था। फायरिंग के बीच भी ये बड़ी ही चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस पहुंचाया करते थे। सर्च एंड रेस्क्यू और वॉच डॉग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जर्मनी समेत कई देशों में आज भी बॉक्सर डॉग मिलिट्री सर्विस में मौजूद है। नंबर 7, डोबरमैन पिंशर। एक मिलिट्री और पुलिस डॉग में जो 3 क्वालिटीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो तीनों क्वालिटीज डोबरमैन पिंशर में कूट कूट कर भरी है। स्पीड, इंटेलिजेंस एंड एग्रेशन, इन तीनों चीजों में ही डोबरमैन पिंशर सबसे आगे है। कुत्ते की इस नस्ल को 1890 में जर्मनी के कार्ल फ्रेडरिक लुई डोबरमैन ने विकसित किया था। इन्हीं के नाम पर इस कुत्ते का नाम डोबरमैन रखा गया। इसकी लंबाई 66 से 72 सेंटीमीटर और वजन 40 से 45 किलोग्राम तक है। इसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इतनी स्पीड के साथ ये कुत्ता 10 से 15 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। दैट मींस जब एक बार किसी भागते हुए क्रिमिनल के पीछे डोबरमैन पिंशर लग जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। इस कुत्ते का उपयोग पेट्रोलिंग, गार्डिंग, सर्च एंड रेस्क्यू इत्यादि में किया जाता है। काफी ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से ये लंबे समय तक अपनी ड्यूटी कर सकते हैं।
आपको बता दें हमारे इंडियन आर्मी में भी डोबरमैन पिंशर का उपयोग करते हैं। नंबर 6, ब्लडहाउंड। ब्लडहाउंड डॉग अपने सूंघने की अद्भुत क्षमता की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी यही काबिलियत इसे पुलिस और मिलिट्री डॉग के लिए फर्स्ट चॉइस बनाती है। ओरिजिनली ब्लडहाउंड को शिकारी कुत्ते के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन फिर इसके एक्चुअल टैलेंट को पहचानते हुए पुलिस और मिलिट्री में इसका उपयोग किया गया। इसकी लंबाई 64 से 69 सेंटीमीटर और वजन 41 से 50 किलोग्राम तक होता है। एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट होने के साथ ये काफी ज्यादा चालाक भी हैं। कुछ ब्लडहाउंड बंद दरवाजा खोलना भी सीख जाते हैं और इनमें खुद को छुपाने की भी काबिलियत होती है। लेकिन इसकी असल ताकत इसकी सूंघने की क्षमता है, जिसकी वजह से खोए हुए लोगों को ढूंढने में, ड्रग्स और हथियारों के जखीरे का पता लगाने में और दुश्मनों की भनक लेने में इस कुत्ते का उपयोग किया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू डॉग के रूप में ब्लडहाउंड का कोई मुकाबला नहीं। कुछ किलोमीटर दूर से ये चीजों का पता लगा सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ब्लडहाउंड के सूंघने की क्षमता इंसानों से हजार गुना ज्यादा है। नंबर 5, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर का उपयोग वर्किंग डॉग के रूप में काफी लंबे समय से किया जाता रहा है। इसका उपयोग बग्घी खींचने में भी किया जाता था। मिलिट्री डॉग के रूप में इसका उपयोग वर्ल्ड वॉर 1 के समय से किया जा रहा है। इसकी लंबाई 61 से 69 सेंटीमीटर और वजन 50 से 60 किलोग्राम तक है। वहीं इसका जीवनकाल 8 से 10 सालों तक का होता है। रॉटवाइलर की गिनती भी अग्रेसिव एंड इंटेलिजेंट डॉग्स के रूप में की जाती है। साथ ही अपनी फैमिली और टेरिटरी को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। यदि ये अपने फैमिली के ऊपर खतरा महसूस करें या फिर कोई इनके इलाके में घुसपैठ करे तो फिर ये काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसका बाइट काफी पावरफुल होता है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में गार्डिंग में इसका उपयोग किया जाता था। एनिमी की ओर से एक्टिविटी होने पर ये तुरंत ही अलर्ट कर देते हैं। रॉटवाइलर आज भी कई देशों के मिलिट्री में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नंबर 4, लैब्राडोर रिट्रीवर। फ्रेंडली और ओबीडियंट नेचर की वजह से लैब्राडोर पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। इसका उपयोग मिलिट्री और पुलिस डॉग के अलावा फैमिली डॉग के रूप में भी किया जाता है और हर किरदार में ये परफेक्ट साबित होते हैं। इसकी लंबाई 57 से 62 सेंटीमीटर और वजन 29 से 36 किलोग्राम तक है। लैब्राडोर लोगों से काफी ज्यादा घुल मिलकर रहता है। साथ ही ये लोगों के सभी आंखें का पालन भी करता है। ब्लाइंड लोगों के लिए ये गाइड का भी काम करता है। मिलिट्री और पुलिस डॉग के रूप में कई कामों में इसका उपयोग किया जाता है और हर काम को ये बखूबी अंजाम देते हैं। लैब्राडोर का उपयोग ट्रैकिंग में, बॉम्ब और ड्रग्स का पता लगाने में, सर्च एंड रेस्क्यू इत्यादि में किया जाता है। नंबर 3, बीगल। अब तक हमने आपको जितने भी डॉग्स के बारे में बताए हैं वो सभी मीडियम टू लार्ज साइज वाले डॉग हैं, लेकिन बीगल काफी छोटे आकार का डॉग है। इसके बावजूद इसकी गिनती बेस्ट मिलिट्री डॉग्स एंड पुलिस डॉग्स के रूप में होती है। बीगल की लंबाई 36 से 41 सेंटीमीटर और वजन 10 से 11 किलोग्राम तक का होता है। वहीं इसका जीवन काल 12 से 15 सालों तक का है। इसके छोटे आकार को देखकर इसकी काबिलियत को कम आंकना आपकी भूल साबित हो सकती है। इस छोटे से कुत्ते को नारकोटिक स्निफिंग डॉग भी कहते हैं। बीगल की सूंघने की क्षमता कमाल की है, जिसका मुकाबला कोई दूसरा कुत्ता नहीं कर सकता। इसी काबिलियत की वजह से इसका उपयोग पुलिस और मिलिट्री डॉग्स के रूप में किया जाता है। इसकी तैनाती ज्यादातर एयरपोर्ट और दूसरे भीड़भाड़ वाले जगहों में एंट्री पॉइंट पर की जाती है। इसका काम लोगों के लगेज को सूंघकर उसके अंदर ड्रग्स और दूसरे गैर कानूनी पदार्थों का पता लगाना है। अपने इस काम को बीगल काफी अच्छे से करता है, इसलिए कहते हैं कि ईगल की नजर से और बीगल की नाक से कोई चीज नहीं बच सकती। नंबर 2, अलास्कन मलाम्यूट। अलास्कन मलाम्यूट अपनी शक्ति और सहन शक्ति की वजह से जाना जाता है और इसी काबिलियत की वजह से इसने मिलिट्री डॉग्स के रूप में अपनी जगह बनाई है। इस कुत्ते की लंबाई 61 से 66 सेंटीमीटर और वजन 36 से 43 किलोग्राम तक है। इसका जीवन काल 10 से 12 सालों तक का होता है। पेट डॉग के रूप में अलास्कन काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये फन लविंग, प्लेफुल, फ्रेंडली और काफी ज्यादा वफादार होते हैं। ये अपने ओनर को खुश करने और उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। मिलिट्री में वॉच डॉग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इस वजह से कई और कामों में भी इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 1, एरडेल टेरियर। एरडेल टेरियर दुनिया के यूनिक डॉग्स में से एक है। इसका संबंध इंग्लैंड से है और इसे वर्ल्ड वॉर के हीरो के रूप में भी याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के दौरान इस नस्ल के कुत्तों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। इसकी लंबाई 58 से 61 सेंटीमीटर और वजन 23 से 29 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसका जीवन काल 10 से 12 सालों तक का है। कुत्ते की यह नस्ल इंटेलिजेंट होने के साथ ही काफी ज्यादा एग्रेसिव भी है। हालांकि बचपन में ही ट्रेनिंग देकर इसके एग्रेशन को कम किया जा सकता है। एरडेल टेरियर का उपयोग मैसेंजर डॉग, वॉच डॉग, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और सर्च डॉग के रूप में किया जाता है। दोनों विश्व युद्ध के दौरान एरडेल टेरियर बैटलफील्ड में घायल सैनिकों का पता लगाकर उन तक मदद पहुंचाने का भी काम किया करते थे। इसी वजह से इन्हें युद्ध के हीरो के रूप में याद किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इनमें से कौन सा डॉग बेस्ट मिलिट्री डॉग लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।